मैं इस वक्त नो मैन इज लैंड पर खड़ा हूँ और मेरे ये पीछे जो है इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का ऑब्जर्वेटरी पोस्ट है और मेरे बाई ओर सिंध दरिया के किनारे पर वो जो है चीन का ऑब्जर्वेटरी पोस्ट है, आईपीआई जो चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उनका यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी पोस्ट है। नो मैन्स लैंड पर खड़े हमारे संवाददाता आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त वहां के हालात हैं। एलएसी पर भारत की तैयारी बहुत तेज है और यही वजह है कि पूरे एलएसी के आसपास भारतीय सेना न सिर्फ रोड बना रही है बल्कि विमान उतरने का भी इंतजाम कर रही है, ऐसे एयरफील्ड बना रही है जिससे भारी से भारी विमान वहां उतारा जा सके और कुछ ही मिनटों में वहां से तमाम गोला बारूद और बड़े हथियार सीमा पर पहुंचाए जा सके। मैं इस वक्त नो मैन इज लैंड पर खड़ा हूं और मेरे ये पीछे जो है इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का ऑब्जर्वेटरी पोस्ट है और मेरे बाई ओर सिंध दरिया के किनारे पर वो जो है चीन का ऑब्जर्वेटरी पोस्ट है, आईपीआई जो चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उनका यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी पोस्ट है। और इस नो मैन इज लैंड के बीच में एक महत्वपूर्ण सड़क जो है वो भारतीय सेना यानी सीमा सड़क संगठन बना रहा है जो इस यहाँ से होते हुए जो है आगे न्योमा जाएगी और चुशूल से होते हुए ये करीब 60 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे इसी साल के अंत तक तैयार हो जाएगा। उससे क्या फायदे होंगे भारतीय सेना के और आर्म्ड फोर्सेस के कि जो एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड न्योमा में बन रहा है, जो भी साजो सामान या जवान वहां पर लैंड करेंगे वो एक घंटे के अंदर अंदर चुशूल और इन सभी सीमावर्ती इलाकों के भीतर जो है पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सेना के साथ साथ यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए ये सफर अब काफी आसान होगा, वो भी खास तौर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। एक तरफ ये तैयारी है और दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री हैं, चीन को लेकर अपना नजरिया वो साफ साफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहां तक बात चीन की है तो इन देशों के साथ भारत के रिश्ते थोड़े अलग हैं, इस वजह से समस्याएं भी अलग हैं। चीन के संबंध में हमारा ध्यान सीमा मुद्दों का समाधान खोजने पर होगा, ये बात खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही है। लेकिन जिस तरह की तैयारी भारतीय सेना यहां कर रही है, बीआरओ जिस तरह से सड़क बना रही है, उससे एक बात साफ है कि अगर चीन की चाल 19 है तो भारत कहीं से भी कमतर साबित नहीं होना चाहता बल्कि उसके 19 पर भारत अपना दाव 21 रखना चाहता है। अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।